friends, welcome back to my channel Smile All Around. Today's video is all about my favorite skincare product, which is aloe vera gel. Before I start with the video, a small disclaimer that you should always consult your doctor before you orally intake the aloe vera juice, and if you're applying it on your skin, please do a patch test. Let's start with the basic things. बहुत ही ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है और ये इंडोर प्लांट है, आप घर में भी इसको लगा सकते हैं। इसमें वाटर रिटेंशन की पावर है जिसकी वजह से आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखने में ये हेल्प करता है। इसकी मॉइस्चराइजिंग एंड एंटी इरिटेंट प्रॉपर्टीज की वजह से बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में इनको इंक्लूड कर रही हैं। इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, इसकी वजह से हमारे ह्यूमन बॉडी या फेस से वो फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करता है और इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं सच एज सी ई ए बी वन बी टू बी थ्री बी सिक्स बी ट्वेल्व एंड बहुत सारे फॉलिक एसिड्स भी पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में 22 अम्यूनो एसिड्स की नेसेसिटी होती है जिसमें से 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा में फ्रेंड्स 18 से 20 अम्यूनो एसिड्स पाए जाते हैं और वो एसेंशियल 8 इसमें इंक्लूडेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि हमारे नरिशिंग एंड एंटी एजिंग क्वालिटीज से भरपूर होता है। विटामिन्स के अलावा इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं लाइक कैल्शियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, सेलेनियम। बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स और कैटेगरीज जैसे कि आप देख सकते हैं स्किन केयर, वेट लॉस, हेयर केयर, हेल्थ केयर, ओरल केयर में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो मैं इन सारी कैटेगरीज को एक एक करके डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन केयर की। जब भी हम स्किन केयर की बात करते हैं तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि इट हैज एक्सीलेंट एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजर की तरह वर्क करता है और हमारे कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। कोई भी ब्लेमिशेज हो या डार्क स्पॉट्स हो उनको फेड करने में हेल्प करता है। यस, ओवरनाइट कोई भी जादू नहीं होता, बट रेगुलर यूज से डेफिनेटली इट फेड्स अवे द ब्लेमिशेस आल्सो। किसी भी तरीके का इंसेक्ट बाइट या डाइपर रैश या किसी भी तरीके के रैशेस को भी हील करता है बिकॉज इट हैज एंटी इरिटेंट क्वालिटीज इन इट। स्ट्रेच मास्क को भी रिड्यूस करता है और अपने एक्ने को भी सबसाइड करने में हेल्प करता है। क्विकली मैं आपको एक स्पॉट ट्रीटमेंट बताती हूँ फॉर योर एक्नेस। 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल में कुछ ड्रॉप्स ऑफ लेमन को ऐड करें और अपने एक्नेस को स्पॉट ट्रीटमेंट दें। ओवरनाइट रखें और वॉश इट इन द मॉर्निंग। एक वीक तक फॉलो करें एंड यू विल श्योरली नोटिस द डिफरेंस। बट प्लीज ध्यान रखें कि कुछ लोगों को लेमन से या एलोवेरा जेल से एलर्जी हो सकती है, तो प्लीज डू अ पैच टेस्ट। एक्जिमा जैसी बीमारियों में भी इसको हेल्पफुल माना गया है। गोइंग फॉरवर्ड चलिए डिस्कस करते हैं कुछ फेस मास्क फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स एंड स्किन इश्यूज सच एज सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, एज अ स्क्रब, एंटी एजिंग मास्क एंड एक्सेट्रा। यू कैन पॉज दिस वीडियो टू फॉलो दीज मास्क एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स। जब हम बात करते हैं हेयर केयर की, तो लेट मी टेल यू कि इतने सारे विटामिन्स के प्रेजेंस की वजह से ये प्रोडक्ट हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है एंड इसकी एंटी इरिटेंट एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज की वजह से ये हमारे स्कैल्प को डैंड्रफ या किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचाता है और स्कैल्प की पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करता है। एलोवेरा का केमिकल सेटअप केराटीन जैसा होता है जिसकी वजह से ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को रिजुवेनेट भी करता है। एक यूनिवर्सल हेयर मास्क मैंने आपके साथ शेयर किया है, इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी वेट लॉस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा जूस मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, तो ओरल इंटेक के लिए आप चाहें तो वो जूस खरीदें या फिर आप नेचुरल प्लांट से भी एलोवेरा जेल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट बहुत ही केयरफुली उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। और आप उसको जेल को एक्सट्रैक्ट करके ब्लेंडर में पुट करें और अपने फेवरेट जूस के साथ उसको मिक्स करके ब्लेंड करके पी सकते हैं। क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं होता, तो आप ऐसा जूस सिलेक्ट करें जो थोड़ा टेस्ट में स्वीट हो। नेक्स्ट
इतने सारी बेनिफिट्स बताने के बाद भी हमारे पास एक कैटेगरी बचती है ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स की. सो यस, इसमें बहुत सारे अदर देन प्रीवियसली लिस्टेड बेनिफिट्स भी हैं, सच एज ये अर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम में भी बहुत हेल्प करता है. एक झटपट नुस्खा शेयर करती हूँ आपके साथ. 1 teaspoon फ्रेश एलोवेरा जेल, 1 cup ऑफ वाटर और पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, इन सबको आपस में मिक्स करके सुबह एम्प्टी स्टमक अगर कंज्यूम करते हैं सो आई एम श्योर आपको फ़ायदा मिलेगा अर्थराइटिस में. स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, इनडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्योर करता है और आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, कैंसर के रिस्क को लो करता है, हार्ट बर्न्स और एसिड रिफ्लेक्सेस को ईज करता है, डेंटल इश्यूज डील करता है, बैक्टीरियाज को फाइट करता है, किडनी स्टोन फॉर्मेशन में प्रिवेंट करता है एंड एलोवेरा ऑल्सो इम्प्रूव्स कार्डियोवेस्कुलर फंक्शंस एंड ब्लड सर्कुलेशंस. जैसे कि कहा जाता है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, इसी तरीके से इस प्रोडक्ट के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो मैं आपको पहले ही वॉर्न कर दूं कि प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनी ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स और मेकिंग एलोवेरा जेल अ डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ. अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही लें, और अगर आप फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले स्मॉल पैच टेस्ट करके ज़रूर देख लें कि आपको एलोवेरा जेल सूट भी कर रहा है या नहीं. इसके अलावा एलोवेरा के नेचुरल प्लांट में एलोवेरा जेल के अलावा एक एलो लेटेक्स करके भी एक्सट्रैक्ट होता है विच इज़ नॉट गुड टू बी टेकन ओरली. आप अगर उसको कंजम्पशन बाय मिस्टेक करते हैं और तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि गैस, क्रैम्प्स, इनडाइजेशन एक्सेट्रा. एंड अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक कंज्यूम करते रहते हैं तो आपको मसल वीकनेस, अनयूजुअल वेट लॉस, हार्ट डिस्टर्बेंसेस, किडनी प्रॉब्लम जैसी तकलीफें भी हो सकती हैं. सो प्लीज़ टेक केयर एंड कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनीथिंग. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय.